नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झांसी जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उत्पीड़न रोकने को रणनीति बनाकर संघर्ष और आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 237 करोड़ की संपत्ति कुर्क कार्यवाही होने के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह इस कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दबाव के चलते जिस प्रकार ये कार्यवाही की जा रही है वो पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि केवल समाजवादियों को टारगेट कर ये कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा पूर्व में भी दीप नारायण की संपत्ति कुर्क की कार्यवाही की गई थी जिसे कोर्ट ने गलत मानते हुए रिलीज कर दी। फिर उसी तरह की 14A की कार्यवाही दोबारा करना ये गलत है। ये कार्यवाही केवल उत्पीड़न है। उन्होंने कहा समाजवादियों का उत्पीड़न अब नहीं सहा जाएगा। पार्टी हाईकमान से वार्ता करने के बाद हम सभी समाजवादी संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व विधायक दीप नारायण और उनकी पत्नी पूर्व विधायक मीरा यादव को मिलने वाली पेंशन के भी खाते सीज कर दिए गए। ये कार्यवाही द्वेष भावना पूर्ण तरीके से की जा रही। हम सभी इसका खुलकर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। इस लोकतंत्र में सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन प्रशासन ने एक पक्षीय कार्यवाही की। फोर्स आई, पुलिस आई तो उन्होंने कहा ये घर खाली कर दीजिए, मुझे सील करना है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई आदमी अपने लिए एक मकान भी नहीं बना सकता रहने के लिए। मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी? बाकी जो भी म्यूनसिटी सीज की, बाकी जो प्रॉपर्टी की, वो मेरी JDA से नक्शा पास है, उसका नंबर एक में है। मैंने कोई अवैध नहीं बनाई है। और जो भी जिस गैंगस्टर के तहत जो कार्रवाई हो रही है, जितने भी जो अभी केस लगाए गए हैं, अगर एक भी इसमें सच्चाई हो तो मैं दूध का दूध पानी का पानी, अगर CBI जांच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इसमें। मेरा जी सवाल ये है कि अचानक ये कार्य कैसे हो गई, क्या अखिलेश जी के आने के बाद ऐसा हो रहा है? देखो, अखिलेश जी भैया को मैं दोषी नहीं ठहरा, बहुत उनके मुखिया है हमारे, वो पार्टी के लिए आएंगे नहीं, अपने कार्यकर्ता हों नेता हों तो मिलने तो आएंगे, लेकिन ऐसा किसी पार्टी में नहीं देखा है मैंने जो इस पार्टी में जो हो रहा है। इतना अन्याय हो रहा है मतलब इस सरकार में इतना अन्याय हो रहा है। तो आप अपने को बेघर मान रही हैं आज? बिल्कुल, मैं तो रोड पे आ गई हूँ। अब आप यहाँ से क्या करेंगी? क्या करेंगे, लड़ेंगे। न्यायपालिका पर भरोसा है मुझे, मुझे सफलता प्राप्त मिलेगी। दादाजी, इतनी बड़ी कार्रवाई को आप किस लहजे से देख रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरीके से उत्पीड़न की कार्रवाई है और ये राजनीतिक विद्वेष के कारण कार्रवाई हो रही है। आप सबको पता है जो मुकदमा लिखाया गया वो भी पूरी तरीके से फर्जी था, बनावटी था। केवल फंसाने के लिए एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को फंसाने के लिए हमारी पार्टी के जो दो बार विधायक रह चुके हैं उनको पहले मुकदमे में फंसाया गया, गैंगस्टर लगाया गया, और गैंगस्टर के बाद आज जो कार्रवाई की गई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है। मैं समझता हूँ इसकी कितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो आवासीय परिसर होता है, आवासीय परिसर तो व्यक्ति अपने मेहनत से, प्रयासों से सबसे पहले बनाता है, और उन्होंने ये मकान हमारी समझ में 20 साल पहले इसको तैयार किया किसी तरीके से अपने रहने के लिए। क्या ऐसा तो है नहीं, परिवार है, इनके पिताजी थे और पिताजी, अच्छी खेती है, व्यवसाय है, तमाम चीज़ें हैं, लोग उससे अपने सबसे पहले मकान बनाते हैं और मकान बना के तैयार किया, अपना रह रहे बाकी व्यवसाय है। अगर सरकार को वो किसी भी प्रकार की शंका है या कहते हैं, उनको नोटिस देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि ये आपने कहाँ से संपत्ति जुटाई इस मकान को बनाने में, उसको जवाब दिया जाता। अगर जवाब मिल जाता तब तो कोई बात नहीं है, अगर जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते तब ये कार्रवाइयाँ करना चाहिए, लेकिन अचानक इस तरीके की इतनी बड़ी कार्रवाई कर देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि अब समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मतलब ऐसा समय आ गया है कि समाजवादी पार्टी को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा लड़ाई के लिए और संघर्ष के लिए। अभी चूँकि हम लोग तो स्थानीय लोग हैं, हम निर्णय तो
नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करके और निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निर्णय इस पर हम लोग संघर्ष के लिए करेंगे। और एक तरफ संघर्ष के रास्ते पर जब एक तरफ बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ न्यायालय पर भी हम पूरा भरोसा करते हैं कि न्यायालय हमें निश्चित रूप से न्याय देगा। पेंशन वाले खाते भी सील किए गए जिसमें विधायक की पेंशन आती थी। अभी मैं उस तरह हम लोग एनालिसिस नहीं किया कि 10 खाता जो हमारा पास इनका द्वारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो सबमिट किया गया है जिसमें इन लोगों का आदान प्रदान होता है, बहुत सारे कंपनीज का अकाउंट है, उसको हम लोग अभी एनालिसिस नहीं किए। इनका खाता और इनका जो पत्नी का और जो फैमिली मेम्बर्स का जो पहले से इस तरह का अपराध में या कुछ लैंड खरीदने में इस तरह का आदान प्रदान में जो इस्तेमाल हुआ है अकाउंट्स, सिर्फ उतना ही हम लोग अभी सीज किया है। हो सकता है हमारा और नेक्स्ट चरण में हम लोगों का एनालिसिस में इसमें बहुत सारे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कंपनी का अकाउंट्स और इनकम टैक्स रिटर्न वो सब चीज़ें हम लोग एनालिसिस करना होगा। तो हो सकता है उसके अलावा कुछ निकल के आएगी तो हम उसके भी करेंगे। सर, गैंगस्टर में और भी आरोपी हैं जिनको गैंग झांसी जनपद में सितंबर महीने में एक सजायाफ्ता अपराधी लेखराज यादव को जब बंदी पेशी के समाप्ति के बाद उनको कन्नौज जनपद ले जाते समय उनको छुड़ाने के आरोप में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए थे। उसमें प्रमुख आरोपी दीप नारायण उर्फ दीपक, उनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर का कार्रवाई नवाबा थाने में दर्ज कर संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू किए थे। प्रथम चरण में 130 करोड़ का कुर्की हो चुकी थी। अभी उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए दूसरी पाली में हम लोग 237 करोड़ का पूरा जब्तीकरण का कार्रवाई चल रही है। इसमें इनका व्यक्तिगत मकान है जो आरटीओ कार्यालय का आसपास जो बनाए हुए हैं उसको सबसे पहले हम लोग कुर्क किया है। उसके अलावा इनका कंपनी और इनका नाम से रजिस्टर्ड 23 गाड़ी हैं, गाड़ियाँ इसमें लग्जरी कार्स है, जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है, इस तरह का कुल 23 गाड़ियाँ हैं। जो मून सिटी भगवंतपुरा में बना हुआ है उसमें फ्लैट्स है और कुछ विल्ला है जो बिका हुआ नहीं है, और ज़मीन भी है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड जो ऑफिस है वो पूरा का पूरा हम लोग आज कुर्क कर रहे हैं। इसके अलावा 10 बैंक अकाउंट्स हैं। तो इस तरह का कुल हम लोग 237 करोड़ का जो कुर्की पे कार्रवाई आज चल रही है। ये कार्रवाई और आगे भी बढ़ती जाएगी। इसमें जो अपराधी दीप नारायण उर्फ दीपक द्वारा और उनका परिवारजन द्वारा जो बनाया गया कंपनियां हैं उसके बारे में भी और आगे हम लोग जांच में शामिल करेंगे। दूसरी चरण में आज हम लोग 237 करोड़ का हम लोग कर रहे हैं। अभी प्रमुख अपराधी को हम लोग कर रहे हैं। आगे जितने लोग हमारा गैंगस्टर एक्ट में जो गिरफ्तार हुए थे उन लोगों को भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का दौरान और सभी लोगों का संपत्ति को भी हम लोग जांच में ले आएंगे और उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल होता है कि ये जो संपत्ति सील की गई है क्या इसको आपराधिक प्रवृत्ति से इकट्ठा की गई संपत्ति माना गया है? इसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनके खिलाफ पहले से 58 मुकदमा है जो क्रिमिनल हिस्ट्री में है, और लेटेस्ट मुकदमा जो लिखा गया था तो गैंगस्टर एक्ट का तहत हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें एक चीज़ है, 237 करोड़ जो टोटल बताया गया उसमें क्या बैंक अकाउंट अमाउंट भी शामिल है? सर, हाँ, बैंक अकाउंट्स भी शामिल है। जैसे मैंने बताया था 10 बैंक अकाउंट्स का हम लोग इसमें सीज किए हैं। अभी उसमें 32 लाख का लगभग है जो आज के डेट में है। सभी 10 अकाउंट? हाँ, 10 अकाउंट। ये सारे दीपक के और उनकी पत्नी दोनों के अकाउंट है कि और पूरे परिवार के? अभी आपको डिटेल्स में थोड़ी देर में दे देता हूँ। ठीक है।